दोस्तों नमस्कार। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 23 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा। पिछली परीक्षाओं में भारतीय उत्तर प्रदेश की बोर्ड में कुल कितने कट ऑफ स्कोर रहे हैं? अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो ये कट ऑफ आप जरूर देखें। दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आज का वीडियो कैसा है। देखिए रेलवे ग्रुप डी में 1.3 लाख पदों के लिए 23 फरवरी 2022 को परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसके लिए अभ्यास मार्च 2019 के अंदर फॉर्म मांगे गए थे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। दोस्तों भारतीय रेलवे ग्रुप डी में 1.3 लाख पदों के लिए भर्ती आवेदन के लिए पुराना सालों का इंतजार समाप्त हो चुका है। दरअसल रेलवे ग्रुप डी ने 1.3 लाख पदों के लिए रेलवे लिखित परीक्षा 23 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इनके लिए 1.3 लाख पद आवेदन किए गए, इसमें 1.15 करोड़ अभ्यर्थी शामिल होंगे। मार्च 2019 में आवेदन मांगे गए। दोस्तों यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप दोस्तों पिछली कट ऑफ यानी अगर आप उत्तर प्रदेश, दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 2018 में रेलवे ग्रुप डी उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले प्रयागराज बोर्ड में जनरल सैनिक अभ्यर्थियों की कट ऑफ 74 रही थी और वहीं ओबीसी की कट ऑफ 69 गई थी। उसके बाद में आप देखेंगे एससी की कट ऑफ 66 गई थी, 66.9। एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 50.12 गई थी। उत्तर प्रदेश में ही पढ़े गोरखपुर बोर्ड की सामान्य कट ऑफ गई थी 73 और दोस्तों ओबीसी कट ऑफ गई थी 68 और एससी कट ऑफ गई थी 60, एसटी कट ऑफ गई थी 54। तो ये पिछली कट ऑफ के हिसाब से आप तैयारी, अगर आप गोरखपुर जोन से रेलवे ग्रुप डी गोरखपुर जोन से हैं तो आप ये कट ऑफ जरूर देख लीजिए। यस तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपकी कट ऑफ रह रही है और किस प्रकार से आएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप सभी रेलवे कब जारी होगा एडमिट कार्ड। दोस्तों 23 फरवरी से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से इस परीक्षा के लिए एनटीपीसी परीक्षा की तरह अलग अलग फेसों में आयोजित की जाएगी। रेलवे इस परीक्षा में शामिल होने अभ्यर्थियों के लिए शहर की जानकारी और ओरिजिनल एडमिट कार्ड 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। रेलवे के मुताबिक नोटिस के अभ्यर्थियों को मूल एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों एडमिट कार्ड 10 दिन पहले और 4 दिन पहले आपको अपडेट मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।